नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल इन वीडियो में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए श्री अय्यर सर, और आज का मुद्दा साउथ इंडियन पॉलिटिक्स। अय्यर सर हैज गॉट टू बुक्स ऑन हिज नेम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हु पेंटेड माय मनी व्हाइट एंड हु किल्ड SSR। इसके अलावा सर इज अ साइंटिस्ट, ही इज अ टेकी बाय प्रोफेशन, 45 पेटेंट्स ऑन हिज नेम एंड ही स्टेज इन सिलिकॉन वैली, यूट्यूबर बाय हॉबी। मतलब जब चलते फिरते सुबह होते हैं, न्यूज पढ़ लिए तो चलो एक यूट्यूब बनाते हैं, लाइक दैट। ऑन अ लाइटर नोट, अ वेरी वार्म वेलकम सर ऑन द शो। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। सर, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि डीएमके जीत गई है इरोड में, पर वो जो जीत है वो बड़ी महंगी सी लग रही है। मतलब सुनने में आ रहा है कि उनको भारी ज्यादा पड़ गई वो जीत। ये देखिए, एक ये जो एक कंस्टिट्यूएंसी थी जहां पर डीएमके अपने उम्मीदवार नहीं लेकिन अपने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी था, उसके उम्मीदवार को समर्थन किया था इन्होंने, लेकिन पूरे खर्चा पूरा पैसा इन्होंने खर्च किया। माना जाता है कि कैबिनेट से 13 मिनिस्टर जाकर वहां पर कैंप किए थे। पता है क्या किया उन्होंने? ईरोड ईस्ट एक सिटी है, ईरोड बड़ी शहर है, वहां की ईस्ट कंस्टिट्यूएंसी थी जहां पर ये बाय इलेक्शन हुआ था, और यहाँ पर इन्होंने जहाँ इस जो इलाका है इसमें जितने भी वेडिंग हॉल्स थे, स्कूल कंपाउंड्स के थे, जो स्कूल के अंदर एक रूम जैसा रहता है ना कि जहाँ पर मीटिंग चलती है, प्रेयर रूम होती है, इस तरह के ये सब चीज पिछले 2 हफ्तों में इन्होंने पूरे भाड़े में ले लिए, रेंट में ले लिए। और यहाँ पर इन्होंने जो इनका कोर वोट बैंक था, इन लोगों को सुबह उठाकर घर से जाकर यहाँ पर बसा दिया, सुबह से शाम तक रोज का खाना पीना धोना सब चीज वहां पर, लेकिन आप बाहर नहीं आ सकते, विच मीन्स कि ऑपोजिशन जाकर उनसे बात भी नहीं कर सकता, संपर्क भी नहीं कर सक रहा था। रोज 500 से 1500 रुपया रोज हर नागरिक को दिया गया, इसके अलावा पानी और दूसरा पानी, रंगीन पानी, बिरयानी और जो भी आपको चाहिए ये सब इनको उपलब्ध किया गया 15 दिन के लिए। गायत्री जी, माना जाता है इन्होंने 1600 करोड़ इसमें इन्होंने स्पेंड किया है, डीएमके ने किया है, बल्कि उम्मीदवार कांग्रेस का है, उसने कुछ नहीं किया। यहां पर इन्होंने एक प्रेस्टीज बैटल जैसा बनाया था कि अब इतनी अन्नामलै की यहां पर ग्रोथ हुई है, और ये अन्नामलै का माना जाता है स्ट्रांग होल्ड है, क्योंकि स्ट्रांग होल्ड इसीलिए है कि अन्नामलै एक कम्युनिटी के हैं, गाउंडर, और यहाँ की कम्युनिटी में शायद 20-30% गाउंडर है। गाउंडर इज ए वेरी इंडस्ट्रियस कम्युनिटी। चिदंबरम जी की पत्नी गाउंडर थी, इससे पहले एक सी सुब्रमण्यम कहकर एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो भी गाउंडर थे। तो इनको इस तरह से एक यू नो व्हाट, गोल्डन केज, गोल्डन पिंजरे में, सोने के पिंजरे में इन लोगों को बांध कर पैसा दिया, पानी खाना वाना, और इनको बाहर किसी से बात करने का मौका भी नहीं दिया। जब वहां पर पत्रकार पहुंचे तो उनको लगभग मारकर भगा दिया गया, लेकिन एक दो बंदे ने इंटरव्यूज भी लिए लोगों से कि हमने ये जो भी मैं कह रहा हूं ये सब सच है, मैंने कुछ बनाया नहीं है यहाँ पर। तो इतना खर्च करने के बाद जीत तो हासिल हो गई उनकी, लेकिन अब उसके बाद क्या होता है? क्या डीएमके कह सकता है कि इससे अन्नामलै को कुछ बाधा पहुंचा? तो लोग कह रहे हैं कि अन्नामलै बहुत स्मार्ट है, उन्होंने यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को खड़े नहीं किए, उन्होंने कहा कि मेरा जो गठबंधन पार्टनर है एडीएमके, वहां पर एक सिंबल की फाइट चल रही थी, वहां पर 2 फैक्शंस थे, ईपीएस और ओपीएस, ये लोग सिंबल के बारे में फाइटिंग कर रहे थे। 2 या 10 दिन पहले, इलेक्शन के पहले, वो सिंबल ईपीएस को आया, तो इन्होंने कहा कि देखो आप लोग एकजुट लड़ो, हम आपका समर्थन करेंगे, और अन्नामलै ने जाकर वहां पर उनको 2-3 मीटिंग संबोधित किया उन्होंने। लेकिन संबोधित तो कर सकते हैं, लेकिन भीड़ तो वहां पर अटक चुकी थी, पूरी भीड़ बैठी है ऑडिटोरियम्स में और स्कूल में, इस तरह की जो एक अधार्मिक जो मेथड इन्होंने जो यूज किया है, इसके बारे में बहुत लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर को भी लिखा था कि आप इसको बंद करवाइए, इस बाय इलेक्शन को कैंसिल कीजिए, और ऐसा नहीं हो सकता है।
लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। अब इलेक्शन भी हो गया, अब रिजल्ट्स भी आ गए, तो इसीलिए शायद अब सुप्रीम कोर्ट, अब यू हैव टू टेक व्हाट इज हैपनिंग, जो हो रहा है ग्राउंड पर, और इससे क्या सुप्रीम कोर्ट इससे कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्होंने एक जो अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर का जो एक ए आया था, जजमेंट आया था, उन्होंने उसमें बोला कि तीन लोग होंगे उसमें, एक ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। ट्राइंग टू फिक्स इलेक्शंस थ्रू दिस, दिस इज व्हाट आई फील। खरीदा उन्होंने, हाँ अवश्य खरीदा, इसमें कुछ और की कोई और तरह से आप देख भी नहीं जा सकते, इतना ही हुआ है। इनको प्रेस्टीज मुद्दा था कि हमको हमको दिखाना है, लोगों को, जमाने को दिखाना है कि अमित अन्नामलै तो खूब भाषण देंगे लेकिन जब वोट का मामला है हम ही जीतेंगे, यहाँ इस तरह का। लेकिन इसमें देखिए, अन्नामलै ने खुद अपना ही डिडंट स्टिक हिज नेक आउट, यहाँ पर अपना उन्होंने ज्यादा उसमें उसमें टांग नहीं लगाया, उन्होंने बाहर से बोल दिया कि देखो हम आपके लिए हेल्प करेंगे। तो इससे अन्नामलै के ऊपर तो कुछ बाधा नहीं पहुंचा है, वो तो अपने काम पे लगे हुए हैं, अब कर्नाटक में वो को इंचार्ज हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो बहुत ही महंगी जो अब विक्ट्री है इनको, इससे क्या हुआ पता नहीं, क्या होने वाला है। इससे सिर्फ ये एक ही चीज आपको बताता है कि कितना करप्शन तमिलनाडु में है, क्योंकि माना जाता है इन्होंने 2014 के पहले जो पैसे जो बनाए थे, खूब बनाए थे 10 साल के लिए, ये सब पैसा बाहर है, भारत भारत के बाहर है। अब देखिए, इलेक्शन की एक मैं स्ट्रैटेजी बताता हूं आपको। मैं जब भी इलेक्शंस होते हैं ना भारत में, 2-3 महीने पहले पैसा अंदर आता है, इनका पैसा वो बेनामी से अंदर आकर पैसा हवाले के जरिए रुपयों में बदलता है, इन रुपयों को लेकर ये लोग बांटते हैं, क्योंकि अगर घर पे ही रखते हैं पूरे पैसे तो पता नहीं कब रेड होगा, है ना, एक हमेशा डर होता है। तो ये लोग हमेशा पैसा जो भी खाते हैं घूस, वो बाहर पार्क करते हैं। अब जब इलेक्शन के थोड़े दिन पहले ये अंदर ले आते हैं, पेमेंट्स स्विट्जरलैंड अकाउंट में होती है, जो मैं मजाक में बोलती हूँ, पेमेंट जो है आउट ऑफ इंडिया होती है, जानबूझकर वहीं पार्क की जाती है। इलेक्शंस हुए और तब उस वक्त उसे 2-3 महीने पहले लाकर एंड देन सर्कुलेट करना शुरू करते हैं। तो इतने पैसे फिर कहां से आए, क्योंकि अब मोदी जी ने ये जो नल थी बाहर से आने वाली नल, इसको बंद करके रखा है, इसीलिए आप लोग देख रहे हैं ना, सब लोग कहां से आए। सर, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ये 1600 करोड़ कहां से आए, हाउ डिड दे मैनेज, और वो भी एक सीट के लिए आया, एक उम्मीदवार के लिए, एक सीट के लिए, आई मीन या। तो ये एक साइड है। अब दूसरी साइड क्या है, अन्नामलै को तो इससे कुछ बाधा नहीं पहुंचा, हाँ ADMK को बाधा पहुंचा है। मैंने आपको कहा था ना पहले एक हैंगआउट में, ये जो इन लोगों की जोड़ी की जो ट्रेन जाने वाली है, इसका इंजन कौन होगा। अब एक और बार हमको यही ये हो रहा है कि स्थित हो रहा है कि इसके ड्राइवर होंगे अन्नामलै, बस यही है, पानी ऊपर से नीचे जाने वाला है, क्योंकि लोग देख चुके हैं ADMK क्या करता है और क्या कर सकता है। उन्होंने अन्नामलै जैसे एक सुशील और बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं गायत्री जी, किसी को वो अपप्रयोग नहीं करते, एक अच्छे ढंग से। अब जैसे कोई भी अगर उनसे बुजुर्ग कुछ प्रश्न पूछते हैं तो भाई साहब इसे पूछते हैं, बहन जी, ये हमेशा उनके लाइन में, वो बहुत ही एक ऐसा लगता है कि वो एक आपके परिवार के सदस्य हैं जो आपसे बात कर रहे हैं। तो ये जो वन ऑन वन कनेक्ट जो है अन्नामलै जी का, ये बहुत ही बेहतरीन है। तो इसीलिए अब ये गाड़ी चलता रहेगा अब, लेकिन काम और भी ज्यादा मजबूत और ज्यादा व्हाट डू यू कॉल दैट थिंग, इंटेंसिटी के साथ काम करना पड़ेगा भाजपा को। मैंने आपको कहा था शायद ना कि उन्होंने पूरे स्टेट में, पूरे तमिलनाडु में उन्होंने एक निर्णय लिया कि एक भाजपा का कार्यकर्ता 25 फैमिलीज को अपना मानकर ले लेता है, गांव के लेवल में, हाँ अडॉप्ट कर लेता है, वहां उनके क्या हैं, उनके क्या नीड्स हैं, उनके क्या जरूरतें हैं, उनको क्या चाहिए, कौन से प्रधानमंत्री के स्कीम में उनके उन पर उनको बेनिफिट्स आ सकते हैं, और उसके लिए क्या चाहिए, कौन से वेबसाइट को जाना है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, इसको किस तरह से फॉलो अप करना है, और क्या सब, ये सब चीज कर रहे हैं ये लोग।
अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खुलवाइए, आधार के लिए कुछ करना है क्योंकि आधार भी रेन्यू प्रॉब्लम्स जो एक नॉर्मल जनरल पब्लिक की प्रॉब्लम्स होती है उसको डील कर रहे हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि इसमें वो हार कर भी जीत गए, बाजीगर हो गए तो गलत नहीं होगा। 1600 करोड़ दैट्स अ गुड अमाउंट, और 13 मिनिस्टर्स कैंपिंग जस्ट फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट शोज द काइंड ऑफ पोजिशन ही इज पुटिंग। मतलब बोलते हैं ना, एक इंसान के लिए जब इतने लोग खड़े हो जाएं तो दैट मींस ही इज ऑलरेडी आउटग्रोन देम। मैं तो इसको ऐसे ही गिनती हूँ। हाँ, तो पहले सब बात करते थे हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हार कर भी जीतने वाले को अन्नामलाई कहेंगे लोग। जी बिल्कुल सर, सेकंड टॉक पर आते हैं। बट एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, इनके पास ये 1600 करोड़ आए कहां से? एंड दिस वॉज हाईजैक्ड वोट्स, अगर देखा जाए तो इसको बोलेंगे वोट हाईजैकिंग। आप पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को घेर कर बैठ गए हो एंड यू मेक श्योर दैट नोबडी एल्स, मतलब कोई कहीं वोट ना दे पाए, यू एक्सरसाइज इकोनॉमिक प्रेशर, पर्सनल प्रेशर, यू नो साइकोलॉजिकल प्रेशर, जो भी प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर आप यूज कर रहे हो, दिस इज काइंड ऑफ हाईजैकिंग ऑफ वोट्स ओनली ना। एक मैं आपको सीधे सीधे बता सकता हूँ कि पूरी तमिलनाडु की लिकर मधुशाला जो होती है वो पूरी गवर्नमेंट के हाथ में है, और आपको मैं अगर उसमें मार्जिन्स बोलूंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदने का प्राइस जो है 20 रुपया, समझो वो क्या बोलते हैं, मिली कुछ है, क्वार्टर मिली, क्वार्टर कहती जी, मैं पीता नहीं हिंदी में, उसे नॉर्थ इंडिया में उसे पौवा बोलते हैं। हाँ, पौवा, तो हाँ स्मॉल वन, तो उसका इनको खर्च लगता है 20 रुपया, बेचते हैं 120 रुपये में, सो 100 रुपये का इनको प्रॉफिट है। तो माना जाता है कि आप समझो उसमें दो 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 हिस्से होते हैं, एक सरकार को जाती है क्योंकि सरकार को भी जरूरत है, नहीं तो सरकार भी चलेगी नहीं। तो माना जाता है कि 40,000 करोड़ सरकार को जाता है, और सिंस इसमें क्या है, गवर्नमेंट के कई लोग हैं जो अपना खुद का मधुशाला चलाते हैं, वहां से ये लोग सप्लाई करते हैं तो वहां पर भी पैसे मारते हैं। तो माना जाता है कि करीब करीब 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ जो भी उस दिन की गवर्नमेंट होती है उनके जेब में जाती है साल में। तो आपने पूछा 1,600 करोड़ कहां से आए, तो ये 40,000 से आ गए, तो छोटा सा अमाउंट। लेकिन ये एक ही नहीं, ये एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर सकते, पूरे 234 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना खर्च नहीं कर सकते लोग। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि डीएमके के लिए कैंडिडेट के लिए नहीं हुआ, ये कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए हुआ। दैट इज आल्सो बिकॉज़ इससे पहले जो जब गठबंधन बना था 2021 में जब ये लोग सत्ते पे आए थे तो ये कांग्रेस को दिया गया था ये सीट, वो जो उम्मीदवार थे वो गुजर गए अकस्मात, तो उनके पिताजी खड़े, वो एक सिंपति वोट के लिए ऐसा कुछ भी हो तो वो जीते। पैसे तो इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि जब इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे हर कंस्टिट्यूएंसी में, तो कहां से ले आएंगे पैसे इतने, ये नहीं है इनके पास। तो एक पॉइंट इनको प्रूव करना था कि जो भी अन्नामलाई का जो पॉपुलैरिटी है वो अभी तक जमीन पर पहुंचा नहीं है, इसका साबित शायद उन्होंने किया है, लेकिन बिग पिक्चर में थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम होगी। जी सर, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, अभी रिसेंटली उदयनिधि स्टालिन मेट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उसके ऊपर ना बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है इट वाज अ वेरी सीक्रेट, मतलब दे हैव मेट ओपनली बट द कंटेंट और व्हाट दे डिस्कस्ड वो बाहर नहीं आ रहा है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? से ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए वो सिंगापुर गए थे, माना जाता है उनका वेडिंग एनिवर्सरी था उसके लिए सिंगापुर गए थे, तो फिर वहां से आते आते वापस उन्होंने दिल्ली आए और प्रधानमंत्री से मिला, तो जो वहां पर उपस्थित थे जो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि संभाषण कुछ इस तरह से हुआ। आपको मैंने पहले भी कह चुका हूं कि तमिल की इंडस्ट्री जो है वो पूरा डीएमके के हाथ में है, इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, मल्टीमीडिया जो प्रिंट मीडिया है, टीवी है, हर चैनल में एक ही बोधित होता है, तो इस तरह की चलती है। तो अभी उदयनिधि अब तो आप मिनिस्टर बन चुके हैं यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के, इससे पहले वो सिर्फ एक एमएलए थे, तो ये जो इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री है, इसको ये संभालते थे, इनके दो तीन पिक्चर कंपनी है, रेड फिल्म्स कुछ ऐसा नाम है,
तो ये सब चीज रेड पिक्स भी है, एंटरटेनमेंट कुछ है, तो ये सब ये संभालते थे। तो अब क्या हुआ कि अभी भी वो चल रहा है और ये बहुत ही अंदर गहरा प्रोडक्शन के अंदर जाते हैं, क्या हो रहा है, कौन सा पिक्चर कैसा बन रहा है, क्या प्लॉट है, इससे डीएम को क्या सुविधा पहुंच सकता है, क्या मैसेजिंग दे सकते हैं हम इसमें। मैंने इसके बारे में एक शायद हम एक अलग एक डीएमके की पकड़ कितनी है मूवी इंडस्ट्री में, तमिल इंडस्ट्री में, और किस तरह से ये लोगों को बाधा पहुंचा रहा है, इसके बारे में हम अलग एक टॉपिक डिबेट कर सकते हैं। तो अब जब ये मिले प्रधानमंत्री जी से, तो माना जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा तुम तो अब मिनिस्टर बन गए हो, राजनीति के अंदर पूरा आओ, ये जो चार पांच फिल्म जो संभाल रहे हो सब बंद करो। तो वो अच्छी राजनीति की एडवाइस दे रहे हैं उनको। राइट राइट, तो मतलब नथिंग लाइक अबाउट एनी डिस्कशन अबाउट एनी अदर पॉलिटिकल एंगल, क्योंकि कहा जा रहा है कि उदय निधि इज गोइंग टू ओवरटेक हिज फादर वेरी सून, जैसे ही वो निकलेंगे अपने हॉस्पिटल अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, वो सब लोग कह रहे हैं कि वो होने वाला है, शायद उनके लिए यानी डीएमके के कार्यकर्ताओं को और काडर को दिखाना है शायद स्टालिन को कि देखो मेरा बेटा जाकर प्रधानमंत्री से मिल रहा है। पहली स्टेप होती है ना कि हाँ वो प्रधानमंत्री से भी मिलने चले गए, अब उसके बाद वो अभी अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा या एटलीस्ट इवन इफ इट इज फॉर टेम्पररी तो वो संपर्क कर सकता है, इस तरह की एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं डीएमके। इसमें सब वो एक्सपर्ट्स हैं गायत्री जी, वो जितना वो बनाते हैं दिखाते हैं, दिखावा बहुत जबरदस्त करते हैं डीएमके वाले, इतना तो मैं आपको, वन ऑफ द बेस्ट शोमैन ऑन अर्थ, इतना तो मैं बोल सकता हूं मैं आपको। राइट राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। सर वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन कंक्लूडिंग नोट, एनीथिंग वी हैव मिस्ड आउट ऑफ लेट? नहीं नहीं, पैसा इतना, अब देखिए मुझे एक डर है कि क्या ये फॉर्मूला जो इन्होंने अपनाया है ये बहुत ही अधार्मिक है कि लोगों को जाकर आप बंधित कर लगा, पैसे देकर बंधित करके लगा रहे हैं, आप किसी और से बात करने का मौका भी नहीं दे रहे हैं, क्या ये उचित है भारत के लिए, गणतंत्र के लिए क्या ये उचित है, ये प्रश्न लोगों को पूछना पड़ेगा। और मेरी ये आशा है कि यहाँ पर ही रुकेगी ये और बाकी शहरों में और नगरों में और राज्यों में नहीं जाएगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार नमस्कार।